ऋतु सिंह जी, एक जो सवाल शिवरात्रि के आते ही लोगों के मन में उठने लगता है कि वो ये होता है कि क्या शिवरात्रि उनके लिए कैसी रहेगी, शिवरात्रि पर उनके लिए अच्छा होगा बुरा होगा, तो और कई राशियों पर भी शिवरात्रि का जो आ रही है शिवरात्रि, इसका असर भी पड़ता है। तो हमारी जो 12 राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक की जो ये 12 राशियां हैं, इन पर शिवरात्रि के मौके पर क्या असर पड़ेगा, ये हमें बताइए। देखिए, शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का त्योहार है। इस दिन प्रसन्न होते हैं तो हर राशि को वो आशीर्वाद ही देते हैं। किसी के लिए भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई ग्रहण या ऐसा कुछ तो नहीं है, कोई खगोलीय घटना नहीं है। ये भगवान शिव का उत्सव है, तो माँ गौरी और भगवान शिव सबको आशीर्वाद देते हैं। हर राशि के लिए अच्छा है, लेकिन राशि के अनुसार अगर हम उनका अभिषेक या कुछ उपाय करते हैं तो और भी बेहतर होता है। अगर संभव है तो आप कर सकते हैं। मैं 12 राशियों के लिए बहुत छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ आपको। देखिए, मेष जी राशि के लोगों के लिए अगर वो अभिषेक करते हैं तो गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करें, इससे उनका मंगल भी स्ट्रांग होगा। लाल मिठाई, लाल चंदन अर्पित करें, और उनके लिए जो मंत्र है वो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से उनको पूजा करनी चाहिए। वृष राशि वाले के लोगों के लिए दही से अभिषेक करना बहुत शुभ फलदायी है। शक्कर, चावल और सफेद चंदन, श्वेत अर्क का पुष्प, ये अर्पित करें, और ओम मृत्युंजय नमः इस मंत्र से भगवान शिव की आराधना करें। मिथुन राशि के जातक गन्ने के रस से अभिषेक करें, मूंग और बेलपत्र अर्पित करें भगवान शिव को, ओम ओंकाराय नमः, ये उनके लिए विशेष मंत्र है। कर्क राशि के लोग घी से अभिषेक कर सकते हैं, शुद्ध गाय का जो घी होता है उससे, और कच्चा दूध, चावल, सफेद आक का फूल अर्पित करें, ओम महाकालाय नमः, इस मंत्र से उनकी आराधना करें। सिंह राशि के जातक भी गुड़ और जल से अभिषेक करें, और उनको शक्कर या गुड़ से बनी मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, ओम त्रयंबकाय नमः, इस मंत्र के साथ वो भगवान शिव की आराधना करें। कन्या राशि के जातक गन्ने के रस से अभिषेक करें, भांग और पान अवश्य अर्पित करें अगर उपलब्ध हो जाए तो, और ओम उमापतये नमः, इस मंत्र से भगवान शिव का जाप कर सकते हैं। तुला राशि के लोग सुगंधित तेल इत्र से अभिषेक करें, या जल में थोड़ा सा इत्र मिलाकर अर्पित करें भगवान शिव को। दही जी और श्रीखंड का भोग लगाएं, ओम ध्वजाय नमः, इस मंत्र से भगवान शिव का जाप करें। वृश्चिक राशि के लोग पंचामृत से स्नान कराएं, लाल फूल चढ़ा सकते हैं, ओम चंद्रमौली नमः, इस मंत्र से भगवान शिव की पूजा करें। धनु राशि के लोग हल्दी युक्त दूध से अभिषेक कर सकते हैं। वैसे देखिए, हल्दी भगवान शिव को नहीं चढ़ती है, लेकिन जी शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है कि हम हल्दी चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को। बेसन की मिठाई चढ़ा सकते हैं, गेंदे का पीला फूल अर्पित करें, ओम पिनाक पाड़िने नमः, इस नाम से भगवान शिव के इस नाम का जाप करें। मकर राशि के लोग, इनको देखिए नारियल पानी से अभिषेक, जो नारियल हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, हरा नारियल नहीं, जो जटा वाला नारियल होता है, उसको तोड़कर और उसका जल भगवान शिव पर ये चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पर। उड़द के दाल की मिठाई और नील कमल के फूल अगर उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा है मकर राशि के लोगों के लिए। और इनका जो मंत्र है, ओम सद्योजाताय नमः, इस मंत्र से ये जाप कर सकते हैं। कुंभ राशि के लोग भी तिल के तेल से अभिषेक कर सकते हैं, और शमी का जो पत्र होता है वो भगवान शिव को अवश्य अर्पित करें, ओम हरि हराय नमः, ये इनके लिए बहुत शुभ मंत्र है। अंतिम राशि मीन, इनको केसर युक्त दूध के साथ भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दही, चावल, पीली सरसों और नाग केसर के जो पुष्प होते हैं वो चढ़ाएं, ओम वैद्यनाथाय नमः, ये भगवान शिव का नाम है। इस नाम से, इस मंत्र से रुद्राक्ष की माला भी अगर जाप करते हैं तो इन्हें बहुत शुभ फल मिलता है, और शिवरात्रि इनके लिए बहुत शुभ होती है।